हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल करने वाले हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा और जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएशन में इसका यूज़ है। तो आइए समझते हैं चेन रूल क्या चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। इसका डिफरेंशिएशन करना है और हमें डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए जो अगर आपने मेरा जो डिफरेंशिएशन बेसिक नाम का जो वीडियो है उसको देखा नहीं हो तो आप देखिएगा, डिफरेंशिएशन के बेसिक्स जिसमें मैंने बताए हैं उसमें मैं बेसिक्स से डिफरेंशिएशन बताते बताते आपको चेन रूल तक लाया हूँ और कुछ क्वेश्चंस चेन रूल के उसमें भी है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो वो देखने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा जो आउटर मोस्ट पर है, आउटर मोस्ट यानी लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन। तो लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन समथिंग, जैसे लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, लॉग टी का वन अपॉन टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन 10 π/4 प्लस एक्स बाय 2। ये इसका डेरिवेटिव है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, लॉग टी का वन अपॉन टी, लॉग साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स, इसी तरीके से लॉग ऑफ दिस का ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ होगा डी डी एक्स किसका, अंदर के फंक्शन का, फिर उसके अंदर के फंक्शन का, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। जैसे हम इधर समझें इसको, डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको। सबसे पहले करेंगे एफ का डिफरेंशिएशन, एफ डैश जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे जी का इनटू में, तो जी डैश एच एक्स, अंदर वाले को कुछ नहीं करना। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे एच का एच एक्स का एच डैश एक्स, और फिर एक्स का विच इज़ वन, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे इसका डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ का वन अपॉन, जो भी लॉग के अंदर लिखा है वो नीचे आ गया, क्योंकि लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है। टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा, अब लिखेंगे 10 π/4 प्लस एक्स बाय 2। तो इसके लिए देखिए वन अपॉन 10 π/4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू, टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बाय 2। फिर डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स होगा अंदर वाले फंक्शन का, अंदर जो लिखा है वो कौन है, π/4 प्लस एक्स बाय 2 को आप लिख दें 1/2 इंटू एक्स, एक्स बाय 2 को लिख दीजिए 1/2 इंटू एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए 1/, इसको टेन को और सेक को साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ मैं, तब तक साइन π/4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस π/4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू वन अपॉन जो आपके पास है सेक स्क्वायर, इसको नीचे ले आए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू, यहाँ डेरिवेटिव है π/4 का, तो π/4 बीइंग कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन जीरो, 1/2, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब ये कॉस π/4 प्लस एक्स बाय 2 से कॉस π/4 प्लस एक्स बाय 2 ये आपका कैंसिल हो गया। तो आगे देखिए, अब ये कैंसिल हुआ तो अगली कैलकुलेशन क्या कहेगी हमारी, अगली कैलकुलेशन कहती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन, जो ये 2 लिखा है 1/2 वो इंटू में है तो वो लिख दिया हमने शुरू में, 2 sin π/4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉस
पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, वी कैन राइट साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, एंड थीटा इज पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ये फॉर्मूला लगाया, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा। तो ये जब फॉर्मूला लगा दिया तो वन अपॉन इसको लिख सकेंगे साइन टू, मल्टीप्लाई कर दें आप अंदर तो हो जाएगा साइन पाई बाय टू प्लस एक्स, एंड वन अपॉन साइन पाई बाय टू प्लस एक्स, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स इज कॉस एक्स, और वन बाय कॉस एक्स को आप लिख पाएंगे, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स होता है कॉस एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख पाएंगे आप सेक एक्स। तो ये देखा आपने कि चेन रूल से हमने इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट किया और इसका आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब दूसरे कुछ इसी तरह का क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जिसको आप सेल्फ ट्राई करना। y इज इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x बाय टू, और इसको डिफ्रेंशिएट करके आप प्रूव करना है dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक ऑफ x। तो ये आप सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये आप सेल्फ ट्राई करना और फिर मुझे बताइए। इसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे log ऑफ cot ऑफ x बाय टू को, तो dy वाई बाई डी एक्स आपके पास आएगा, dy वाई बाई डी एक्स आपका होगा माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। तो ये दोनों क्वेश्चन जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन बताया उसी टेक्निक से अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आपके दोनों डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस टू प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव है, और आपको कहें कि प्रूव करो dy वाई बाई डी एक्स होगा वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ये आपको प्रूव करना है, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसको आपको प्रूव करना है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग का, जैसे मैंने बताया लॉग टी का वन अपॉन टी, तो ये लॉग टी का, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू का डेरिवेटिव जीरो प्लस, अब रूट का डेरिवेटिव। अब आप केवल ये सोचिए कि मुझे रूट का ही डिफरेंशिएशन करना है, अब आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप सोचिए कि मुझे केवल इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट का डेरिवेटिव याद रखिए आप, रूट का डेरिवेटिव है वन बाय टू रूट, तो ये हो गया रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट, तो वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये डेरिवेटिव हो गया रूट का। लेकिन अभी रूट के अंदर के फंक्शन का भी डेरिवेटिव होना है, तो रूट के अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव होगा टू एक्स प्लस फोर प्लस जीरो, तो इंटू टू एक्स प्लस फोर प्लस जीरो, और ये जो डेरिवेटिव होगा ये बाहर नहीं लिखना है आपको, ये यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि ये केवल इसके मल्टीप्लिकेशन में, जो रूट का डेरिवेटिव है वो केवल इसी के मल्टीप्लिकेशन में, होल के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो इसलिए आपको पूरे के लिए बाहर नहीं लिखना आप। तो आगे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ब्रैकेट वन प्लस
इसमें से देखिए 2x प्लस 4 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। और ये जो अपॉन है, ये अपॉन केवल इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, तो ये नीचे लिख दिया 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, 2 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो ये दोनों सेम है, आगे पीछे लिखे हैं पर ये दोनों सेम है, एक्स प्लस 2 प्लस रूट, एक्स प्लस 2 प्लस रूट, तो आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया आपके पास, किसके इज इक्वल टू dy बाई dx के, क्योंकि dy बाई dx चल रहा है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया जो हमें प्रूव करना था, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रूव, तो ये हमने प्रूव किया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी पे बेस्ड, इसी टेक्निक पे बेस्ड मैं आपको बताता हूँ, जो आप सेल्फ ट्राई करिए और आपका आंसर आएगा, बिल्कुल इसी मेथड से चलेंगे आप। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बिल्कुल उसी के जैसा करना है, आप सेल्फ ट्राई करना और फिर मुझे लिखना कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। dy बाई dx आएगा आपका 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप क्वेश्चन ट्राई कर ले, और इसको ट्राई करने के बाद ये एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n, और प्रूव करना है आपको dy बाई dx इज इक्वल टू एन वाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसी टेक्निक का और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इज इक्वल टू पावर का n x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाले फंक्शन का, यही चेन रूल है, यही चेन रूल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका n x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, और अपॉन में ले जाएं माइनस 1 है तो ऐसा लिख दें आप x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1, जो क्लास 6 7 के कंसेप्ट है, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n को आप ए टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं, ए टू द पावर m माइनस n को ए टू द पावर m, ये फार्मूला यूज़ किया। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट, फिर ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कैंसिल। अब आप एलसीएम ले लें और इसको क्या लिख सकते हैं हम, दिस आई कैन राइट एज y, कहाँ से लिख दिया इसको y, तो ये देखिए ये जो है इक्वेशन 1, ये लिख दिया मैंने फ्रॉम 1 यूजिंग 1, इसकी जगह पूरे की जगह लिख सकते हैं y, ये देखिए इसकी जगह x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n कैन बी रिप्लेस बाय y, तो ये बन गया आपका y, तो एन वाई अपॉन एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम ले लें आप, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे
कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया n इंटू वाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये y कहाँ से लिखा है वो लिख सकते हैं आप, फ्रॉम वन, यूजिंग वन या फ्रॉम वन, जो भी आप लिखना चाहें वहाँ से हमने लिखा है। तो ये देखा आपने, चेन रूल से डायरेक्ट डिफरेंशिएट होते हैं, जो प्रूव करना है वो प्रूव भी होता है। कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से डायरेक्ट चेन रूल से होंगे और टिपिकल होंगे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सेवेंथ, y इज इक्वल टू, इसमें प्रूव नहीं करना है आपको, इसमें लिखा हुआ है कि आप ये लाइए, तो y इज इक्वल टू मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है e टू द पावर रूट ऑफ cot ऑफ x स्क्वायर, रूट ऑफ cot ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा, पहले तो पूरे का ही डिफरेंशिएशन होगा, e टू द पावर रूट ऑफ cot ऑफ x स्क्वायर, फिर किसका होगा e टू द पावर का होगा, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा रूट का, जब रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर उसके बाद कॉट का होगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का होगा, तो e टू द पावर रूट कॉट एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ रूट वन बाय टू रूट, वन बाय टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा कॉट का, तो देखिए क्या होगा, e टू द पावर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज टू एक्स। तो ये आपका आंसर आया, दिस इज योर आंसर। इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर यही आंसर है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें चेन रूल और समझते हैं। y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8, इसके जैसा एक क्वेश्चन चाहेंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका इस तरह का लिख भी देता हूं ताकि आप करेंगे तो आपको क्लियर होगा, e टू द पावर साइन ऑफ x टू द पावर m, और आपका आंसर होना चाहिए ये e टू द पावर साइन ऑफ x टू द पावर m इंटू कॉस ऑफ x टू द पावर m इंटू एम एक्स टू द पावर m माइनस वन। तो ये आप ला दीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, और क्वेश्चन समझते हैं हम। y इज इक्वल टू, अगर हमें इस तरह का दिया हो, ध्यान से देखिएगा आप, टू टू द पावर, टू टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स लॉग एक्स। तो सबसे पहले आपको टू टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए, तो वो अगर आपको नहीं आता तो मैं यहाँ लिखता हूँ डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, बेस ई नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई खास बात नहीं है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसको ए समझे, इसको दिस शुड बी कंसीडर्ड एज ए, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर, जो पावर है क्या है पावर साइन स्क्वायर एक्स लॉग एक्स, ये हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब सॉरी इंटू लॉग टू, इंटू लॉग टू बेसी, ये ए टू द पावर का, ये ए टू द पावर इसको एक्स समझ लें, तो a टू द पावर x log a, तो a टू द पावर x log a डी डी एक्स। अब डी डी एक्स किसका होगा, पावर का डिफरेंशिएशन होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर fx का होगा a टू द पावर fx
log a इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स. तो ये डी डी एक्स ऑफ साइन किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा. पर उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं साइन एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज सेम एज साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है. अब साइन थीटा होल स्क्वायर, अब सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये देखिए 2 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग 2. अब पहले पावर का डिफरेंशिएशन, जैसे पावर का करते हैं कि नहीं आप डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x. तो अगर आपके पास ऐसा हो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर 2, तो पहले क्या करेंगे आप 2 एफ एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू इंटू डी डी एक्स किसका करेंगे, एफ ऑफ एक्स का, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो यही इस तरह से होगा 2 साइन एक्स साइन ऑफ एक्स लॉग एक्स होल टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू. अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा अब साइन अंदर वाले फंक्शन का, साइन ऑफ एक्स लॉग एक्स. तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 2 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स लॉग 2. ये आ गया आपके पास ट्वाइस साइन एक्स लॉग एक्स होल टू द पावर 1. लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दिया. अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का होगा कॉस एक्स लॉग एक्स, और आखिरी में डिफरेंशिएशन होगा एक्स लॉग एक्स का, एक्स लॉग एक्स का. अब एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से प्रोडक्ट रूल से होगा. तो ये आ गया आपके पास 2 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग 2 इंटू, इधर चाहे तो आप फार्मूला लगा दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, फार्मूला भी लगा सकते हैं. तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 एक्स लॉग एक्स, और इसमें एक्स लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल, एक्स का 1 log x कांस्टेंट, x कांस्टेंट, log x का 1/x. तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1. तो ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर हो गया, जो इसका डेरिवेटिव था किसका था 2 टू द पावर साइन स्क्वायर x log x, ये इसका डेरिवेटिव. कभी इस तरह का क्वेश्चन हो उसे भी समझते हैं. इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, तो आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं. 2 की जगह आप ले लीजिए 3 टू द पावर कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स. अब मैं जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं वो ये देखिए, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 टू द पावर एक्स. इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, तो पहले आप इसको x मान लीजिए, तो 2 टू द पावर 3 टू द पावर x का हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर x और log 2. फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर डी डी एक्स हो जाएगा 3 टू द पावर x का. तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 टू द पावर x log 2 इंटू 3 टू द पावर x log 3. ये इसका डेरिवेटिव है. इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई खास चेंज नहीं लाते हैं. 12th वाला क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर e टू द पावर x, 3 टू द पावर e टू द पावर x, और
इसका आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स 3e(e)x log 3, फिर e(x) का e(x) 13। y इज इक्वल टू, अगर इसको और एक्सटेंड करना चाहें तो एक ऐसा भी बना सकते हैं आप, 2e(2)x, और इसको ट्राई करें आप, इसका आंसर मुझे लिख के भेजें। नंबर आपको मालूम है 9685698056, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कभी इस तरह की चीज़ हो, कभी कभी बच्चों को ऐसा देखने को मिलता है सेक ऑफ एक्स डिग्री, ये डिग्री है, तो एक्स डिग्री x^0 नहीं है, x^0 तो वन होता है, ये एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री की वैल्यू है πx/180, तो ये हो जाएगा आपका sec ऑफ πx/180। अब इसका डेरिवेटिव, तो पहले sec x का ध्यान रखो, sec x का क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव sec ऑफ πx/180 tan ऑफ πx/180, फिर डिफरेंशिएशन होगा πx/180 का, फिर डिफरेंशिएशन होगा πx, तो ये π/180 लिख दें इनटू x, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप π/180 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आएगा, आपका आंसर ये इस तरह से होगा π/180 इंटू sec ऑफ, वापस इसको चाहें तो आप x डिग्री लिख दें, sec ऑफ x डिग्री tan ऑफ x डिग्री, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों, ये हमने क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सेल्फ करने के लिए भी दिए, आप अपने कमेंट जरूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।